गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो मैं बात करूँगी वो मेरे सेकंड चैनल से रिलेटेड है, जो कि अभी मैंने 10 अक्टूबर को ही अपना सेकंड चैनल बनाया था। तो जो मैंने वो चैनल बनाया था उस टाइम पर मुझे यही था कि मैं हेयर स्टाइलिंग की वीडियोस करूँगी और बहुत सारी वीडियोस करूँगी, फैशन वगैरह सब कुछ उस पर बनने वाली हूँ। तो मतलब मेकअप, हेयर स्टाइलिंग, ड्रेस डिज़ाइनिंग सब कुछ मैं उस पर करने वाली हूँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह। लेकिन आज मैंने फर्स्ट वीडियो उसके शूट की जिसमें मैं हेयर स्टाइलिंग की वीडियो कर रही थी, हेयर कर्ल कर रही थी, लूज कर्ल्स वही कर रही थी। लेकिन यकीन करें मुझे 1.5 घंटा हो चुका है वीडियो शूट करते हुए, 1.5 घंटा लिटरली। शूट कर रही थी, पता चला है कि वीडियो शूट करना कितना मुश्किल है। और वो भी अगर आप मेकअप, हेयर स्टाइल या इस तरह के चैनल के लिए वीडियो शूट करते हो। व्लॉग तो मैं बना लेती हूँ, वो तो आराम से, सारी बातें कैमरे के सामने बैठना है ऐसे और बोलते रहना है, वो तो मैं कर लूँगी आराम से। लेकिन ये जो हेयर स्टाइल की वीडियो है ना, इसने मुझे लिटरली घुमा दिया है। पहले मैंने इतनी देर वेट किया, लाइट चली गई, मेकअप किया, रेडी हो गई थी पूरी, फिर मैं बैठ के वेट किया कि लाइट आएगी तो फिर मैं वीडियो शूट करूँगी। फिर लाइट आई पूरे 1 घंटे बाद। अब क्योंकि पाकिस्तान है और सर्दी शुरू हो रही है तो लाइट जाना हो गया शुरू, पता नहीं लाइट इतनी क्यों जा रही है, वैसे इतनी ज़्यादा तो नहीं जाती सर्दियों में। तो लाइट का इंतज़ार किया 1.5 घंटा, सॉरी 1 घंटा मैंने लाइट का इंतज़ार किया। उसके बाद अब मेरे जो हमसाए हैं वो लोग भी बहुत शोर डालते हैं, अभी भी आवाज़ें आ रही होंगी। वो लोग चुप करते हैं तो फिर मैं वीडियो रिकॉर्ड कर सकती हूँ, अब वो लोग चुप नहीं करते तो मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकती। बहुत कोशिश करती हूँ कि वीडियो में बैकग्राउंड का कोई भी नॉइज़ वगैरह ना आए, लेकिन पॉसिबल नहीं है, शोर आता ही आता है। अभी टाइम हो रहा है 3:30 और मैं तकरीबन 1:30 बजे से बैठी हुई हूँ वीडियो शूट करने के लिए। बुरा हाल हो गया आज तो। बस आज तो यही अपडेट है कि जो मैंने सेकंड चैनल बनाया है मुझे उस पर भी बहुत फोकस करना पड़ेगा। डेली तो नहीं वीडियो डालूँगी उस पर, लेकिन मुझे उस पर बहुत काम करना है, बहुत मेहनत करनी है, क्योंकि वो अभी मैंने न्यू बनाया है, मुझे उसके वॉच आवर्स कंप्लीट करवाने हैं, सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कराने हैं। वो सब एक साइड पर चल रहा है, दूसरी साइड पर व्लॉगिंग का चैनल चल रहा है, जो कि पता नहीं कौन से यूट्यूबर हैं, मुझे भी नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन 2 साल वो कहते हैं कि 2 साल आप सिर्फ मेहनत करो, सिर्फ मेहनत, वीडियोस अपलोड करो, सिर्फ अपने कंटेंट पर ध्यान दो, 2 साल के बाद आप अपना रिवॉर्ड के लिए रेडी हो जाओ, कुछ ना कुछ तो आपको ज़रूर मिलेगा 2 साल के बाद। क्योंकि अगर आप मेहनत कर रहे हो और प्रॉपर मेहनत कर रहे हो तो जाहिर बात है आपको ऐसा तो नहीं है कि आपको कुछ नहीं मिलेगा, ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो ज़रूर मिलने वाला रिवॉर्ड में।